बारिश में हम सब छाता तो यूज़ करते हैं, लेकिन आज मैं इस वीडियो में ना आपको पुराने फटे पुराने छाते को भी रीयूज़ करना बताऊंगी दो अलग अंदाज में, और ये दोनों आइडिया ना आपको इसी बारिश में काम आएंगे। तो एकदम वाटरप्रूफ आइडिया है, हर चीज़ आपकी वाटरप्रूफ हो जाएगी और बहुत सिंपल तरीके से हम आज का DIY करेंगे। तो ये छोटे बच्चे का छाता है और इसमें देखिए इस तरीके से कलरफुल पूरे इस तरीके से पीसेस हैं। आपके पास किसी भी तरीके का हो उसका फैब्रिक इम्पॉर्टेंट है, तो मल्टी कलर्स में हो, ब्लैक हो या फिर कुछ भी हो, हम उस फैब्रिक को यूज़ करेंगे। तो आप इसमें देखिए इस तरह के बहुत सारे कलर्स हैं इसमें। तो मैंने क्या करा, इसमें से मुझे स्क्वायर या रेक्टेंगल पीस आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ये इस तरीके से 20 पीस निकाला है और इसमें ग्रीन और पिंक दोनों कलर आ गए हैं। अब सिंपल, सबसे पहले इसमें हम जिप लगाएंगे दोनों साइड से, उसके बाद इसको हम अटैच कर देंगे। और जिप लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। आपको जिप को खोलना है और इस तरीके से उल्टा रख लीजिए, उसके बाद पलट करके इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लीजिए। तो एक तरफ स्टिच करके इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लिया है, इसी तरीके से दूसरे साइड से भी जिप लगा लेंगे और उसके ऊपर भी टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब दोनों जो हमने जिप लगाए हैं इसको इस तरीके से रखिए कि सेंटर पे आ जाए ऐसे, और इसके बाद आप इसमें रनर ऐड कर लें। रनर ऐड करने के बाद अब आप इसको पलट लें और इसको हम स्टिच कर लेंगे दोनों कॉर्नर से इस तरीके से। दोनों कॉर्नर को स्टिच करने के बाद इसको फिनिश करेंगे इसी स्ट्रिप से जो कि फ्रिल थी अम्ब्रेला में, और इसी को इस तरीके से बस पलट करके एक स्टिच कर देंगे तो ये प्रॉपर अच्छे से फिनिश हो जाएगा। तो ये देखिए 2 मिनट में बनने वाला वाटरप्रूफ पाउच रेडी है। आप इसे कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें अपने मनी रख सकते हैं, आप इसमें मोबाइल रख सकते हैं, आप इसमें अपने कार्ड्स रख सकते हैं, सब कुछ रख सकते हैं क्योंकि ये पूरा वाटरप्रूफ है। जब बारिश होती है ना तो कहीं ना कहीं बैग के अंदर भी हमारी चीज़ें भीग जाती हैं कभी कभी बारिश में, तो इस तरीके से एक छोटा सा पाउच बना करके आप अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को सिक्योर कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए ना तो आपको फोम की ज़रूरत है, ना तो अस्तर की, ना ही बकरम की। सिंपल आप डायरेक्ट इसको कट करके इस तरीके से अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को सिक्योर कर सकते हैं और इसको बनाने में कोई खर्च भी नहीं लगता है। तो इस बारिश में इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत काम की चीज़ है ये फैब्रिक, बहुत काम की चीज़ है, आप इसे बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने तो बहुत सिंपल चीज़ बनाई है ताकि आप उसको सिंपल तरीके से बना सकें, उसे यूज़ कर सकें। तो भाई अगर ये आइडिया पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, और आप किस किस तरीके से इस फैब्रिक को यूज़ कर सकते हैं मुझे वो भी बताइएगा। तो ये तो था मेरा फर्स्ट आइडिया जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही यूज़फुल है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। यहाँ पर मुझे चाहिए था एक बड़ा सा पीस, लेकिन ये इस तरह का जो ट्रायंगल्स है ना, तो मैंने क्या किया इनको बीच ओपन कर लिया और इस तरीके से जोड़ लिया, दो ट्रायंगल्स को इस तरीके से जोड़ लिया है और मैंने यहाँ पे 2 पीसेस इसको रेडी कर लिए हैं। तो ये 2 पीसेस का पूरा एक फैब्रिक बन गया, अब इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए ये प्रॉपर इसका शेप आ गया है, और कहीं भी अगर आपको थोड़ा बड़ा कहीं कुछ ज़्यादा लगता है तो आप इसको कट करके इक्वल शेप में कर लें। अब इसमें भी देखिए इस तरीके से मैं जिप लगाऊंगी ऐसे, ठीक है। तो आपको लगेगा ये तिरछा लग रहा है, जी हाँ ये तिरछा ही लगेगा, आपको बस इसमें सिंपल ऐसे ही जिप लगानी है जैसे हमने पहले लगाई थी, बस ये थोड़ा सा ट्रायंगल में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी का ही सबसे खास यूज़ है इस ट्रायंगल बैग का, आपको इसको इस तरीके से लगाना है, उसके बाद फोल्ड करके टॉप स्टिच लगाना है। जैसे कि हर बार मैं जिप में बताती हूँ, एक साइड से यहाँ पर जिप लगाएंगे और इसको फोल्ड कर देंगे, और उसके बाद दूसरे साइड से भी जिप लगा करके इसको फोल्ड करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसमें जिप भी लगा दी है, रनर भी लगा दिया है, अब आप इसको पलट करके इसमें स्टिच कर देंगे दोनों साइड से।
तो देखिए दोनों साइड से मैंने स्टिच कर दिया है और एक साइड से मैंने स्ट्रिप से इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब आपको कॉर्नर्स को लेना है एक साइड में, सिर्फ एक साइड में ही ये काम करेंगे और इस तरीके से इसमें जो कॉर्नर होता है ना उसको वी शेप दे देंगे ऐसे। तो इसका कॉर्नर इस तरीके से निकाल करके वी शेप में बना लेंगे, फिर यहाँ से हम एक या दो इंच पे स्टिच कर लेंगे, ठीक है। इससे आपका जो भी ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे उसमें शेप बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो बस सिंपल इसको स्टिच कर लेंगे और उसके बाद इसको कट कर लेंगे। इसके बाद जो हमने कटिंग करी है वहाँ पर हम पाइपिंग से इसको फिनिश कर देंगे और ये देखिए एकदम बढ़िया सा सिंपल सा और बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र रेडी है। और आप सोचेंगे ये बना कैसे है, जी हाँ सिर्फ आपको पता है मुझे पता है कि इसमें कोई भी ट्रिकी काम नहीं है और देखने में तो ये बहुत ही लग रहा है कैसे बना होगा, लेकिन बहुत ही मस्त और बहुत ही ईजी है। इस बारिश में इसको यूज़ करिए और अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप सिक्योर कर सकते हैं, इसमें बचा सकते हैं। आप इसमें फुटवेयर भी रख सकते हैं, आप इसमें अपने अंडरगारमेंट भी रख सकते हैं, बहुत सारा स्टोरेज है इसमें। इसमें जो कॉर्नर्स में मैंने स्टिच करा है ना इसे शेप बहुत अच्छी आती है, आप इसमें जितना चाहे उतना सामान रख सकते हैं। फिलहाल तो मैंने इसमें सिर्फ कपड़े रख के दिखाए हैं ताकि आपको इसका शेप समझ में आ सके, बाकी आप इसको अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, वाटरप्रूफ है, कोई अस्तर लगाने का झंझट नहीं, कोई लाइनिंग नहीं, कोई फोम नहीं। सिंपल आपने कट करा, ट्रायंगल्स को ज्वाइन करा और एकदम मस्त बढ़िया सा बैग बन करके रेडी है। आप इसको और भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कुछ और तरीके से नया बना सकते हैं। आप इसमें स्ट्रिप लगा सकते हैं, आप इसमें हैंडल लगा सकते हैं, यहाँ तक कि आप इसको फोल्ड करके भी रख सकते हैं। यूज़ करना हो यूज़ करिए और उसके बाद वापस इसको फोल्ड करके किसी भी कॉर्नर में रख दीजिए, तो जब ज़रूरत हो तब निकालिए। बिल्कुल लीक प्रूफ है, कहीं से कुछ लीक नहीं होगा। आप इसमें अपने गीले कपड़े जो आपको सबसे अलग रखने हैं आप उसमें वो भी रख सकते हैं। आप इसमें अपने ट्रैवलिंग में भी इसको यूज़ करिए, एकदम बहुत ही काम की चीज़ है ऐसी। तो है ना कमाल का आइडिया, बिना खर्च का, एक भी रुपये आपका खर्च नहीं होना है। सिंपल आपको पुरानी अपने अम्ब्रेला से जो कि वेस्ट है आप उसको फेंक देते हो, उससे आप दो अच्छी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो इस बारिश में। जी हाँ, टूटा छाता तो आप बारिश में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उस छाते से आप दो नई चीज़ें बना सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई खर्च नहीं है। सिंपल आप इसको क्रिएट करिए, बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही काम भी आएगा। तो ये थे मेरे आजकल सिंपल से आइडिया जो कि बहुत हेल्प करेंगे इस बारिश में। ट्राई ज़रूर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा।